नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा डेली जॉब नोटिफिकेशन के लिए। दोस्तों, छोटी यूट्यूबर हो आपकी एक सब्सक्राइब मेरे लिए मायने रखते हैं। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। दोस्तों, पिक्चर देख के समझ में होंगे इंडियन आर्मी में 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम 52 कोर्स का नोटिफिकेशन निकला है। टोटल वैकेंसी 90, आप लोगों को पे स्केल मिलेगा लेफ्टिनेंट रैंक से अप टू CDS रैंक तक 56,100 से लेके लास्ट में 2,50,000 तक फिक्स्ड हो जाएगा, यानी CDS से रैंक तक। ठीक है, लेवल 10 से आपका सैलरी स्टार्ट होगा। क्वालिफिकेशन दोस्तों 10+2, एग्जामिनेशन पास होना चाहिए आपको, 12 पास होना चाहिए। साइंस स्ट्रीम में जिसमें आपका सब्जेक्ट रहेगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स रहेगा, और ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में एग्रीगेट आपका जो एवरेज 60% होना चाहिए, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स मिला के आपको तीन सब्जेक्ट में कम से कम 180 आपका होना चाहिए 60% के लिए। ठीक है, और यहाँ पर बोला गया दोस्तों ये जो मार्क सिर्फ क्लास 12 का जो मार्क है उसी मार्क के आधार पर बेसिस करके ही आपका शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा। अगर आप उससे भी ज़्यादा क्वालिफाइड हो तो आपका वो मतलब क्वालिफिकेशन का जो मार्क्स है वो काम पे नहीं आएगा। सिर्फ क्लास 12 में आपको जो परसेंटेज मिला है उसी के आधार पर आपका शॉर्ट लिस्टिंग करके आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। दोस्तों, ये क्वालिफिकेशन के साथ साथ आपको दूसरा क्या चाहिए, कैंडिडेट मस्ट हैव अपियर्ड इन JEE मेंस 2024। जिन्होंने JEE मेंस 2024 क्लियर किया और साइंस स्ट्रीम में 12 पास किए हो, जो मैंने पहले बोला वही अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट दोस्तों 16.5 से लेकर 19.5 के बीच में आपका एज होना चाहिए। और ये जो क्राइटेरिया है देख सकते हैं, बॉर्न नॉट बॉर्न बिफोर 2 जुलाई 2005 से पहले आपका जन्म नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2008 के बाद आपका जन्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, अब जानते हो डिफेंस जॉब। जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी हो सकता है। सिलेक्शन प्रोसेस दोस्तों शॉर्ट लिस्टिंग होगा, पहले आपकी जो मार्क्स है एकेडमिक मार्क्स के ऊपर, 12 की क्लास 12 के मार्क्स के ऊपर बेसिस करें, उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू कहाँ पर होगा, सिलेक्शन इंटरव्यू सेंटर, जैसे कि सिलेक्शन सेंटर प्रयागराज UP, भोपाल मध्य प्रदेश, बेंगलुरु कर्नाटका एंड जालंधर पंजाब, ये चार जगहों में से कहीं पर भी होने वाला। ठीक है, किसके द्वारा होगा, ये होगा साइकोलॉजिस्ट, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर एंड इंटरव्यूइंग ऑफिसर के द्वारा आपका ये सिलेक्शन प्रोसेस होगा। ठीक है, इंटरव्यू अप्लाई बोर्ड ऑनलाइन 13 मई 2024 से अप्लाई चल रहा है दोस्तों, स्टार्ट हो चुका है, लास्ट डेट 13 जून 2024। एप्लीकेशन PFR नहीं चाहिए दोस्तों। ऑफिशियल वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in। आइए दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन से देखते हैं। ये है दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑल इंडियन कैंडिडेट। शुरुआत में दोस्तों देखिए, एकदम शुरुआत में ही क्वालिफिकेशन बोल दिया, 10+2 एग्जामिनेशन विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, जिसमें एवरेज मार्क्स 60% होना चाहिए और JEE मेंस 2024 आपका क्लियर होना चाहिए। जिन्होंने पास किया है वो ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ऑल इंडियन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर देखिए जो एज लिमिट है, यहाँ पर जो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ 16.5 से 19। ठीक है, यहाँ पर रिलैक्सेशन के बारे में कुछ बताया, कैंडिडेट शुड नॉट बी मेट्रिकुलेशन, आपका जो माध्यमिक का जो स्टैंडर्ड का जो सर्टिफिकेट है, एडमिट कार्ड वगैरह, उसका जो डेट ऑफ बर्थ है वही सही है। ठीक है, और अगर आप कोई दूसरा बार सर्टिफिकेट लेके शो करते हो तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, याद रखिएगा, कैंडिडेट शुड नॉट दैट वंस द डेट ऑफ बर्थ के बदले ग्रांटेड। ठीक है, यहाँ पर रिलैक्सेशन के बारे में कुछ नहीं बताया गया। यहाँ पर एडुकेशन क्वालिफिकेशन, ये देखिए 60% मार्क एग्रीगेट 60% मार्क्स इन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, जो मैंने पहले बताया। कैंडिडेट मस्ट हैव अपीयर्ड इन JEE मेंस 2024। मेडिकल एग्जामिनेशन टेंडर, मेडिकल एग्जामिनेशन टेंडर आप लोग ऐसे तौर पर के देख लीजिएगा। ठीक है, वैकेंसीज 90 जो कैडर ट्रेनिंग, देखिए दोस्तों आपका ट्रेनिंग जो होगा 4 साल का ट्रेनिंग होगा टोटल। द ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 4-year कोर्स कैडेट विल बी ग्रांटेड परमानेंट कमीशन इन द आर्मी एट द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट। 4 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको लेफ्टिनेंट रैंक में परमानेंटली इंडियन आर्मी में कमीशन कर दिया जाएगा, यानी ज्वाइन करवा दिया जाएगा। और ट्रेनिंग जो फेज है, देखिए पहला जो फेज है इसमें इंटीग्रेटेड बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग एंड इंजीनियरिंग ट्रेनिंग एट CME पुणे या फिर MCEME सिकंदराबाद फॉर 3 ईयर। 3 साल इन जगहों में आपका 3 साल का ट्रेनिंग होगा और 1 साल का ट्रेनिंग जो होगा फेज टू का, वो इंटीग्रेटेड बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग एंड इंजीनियरिंग ट्रेनिंग फॉर 1 ईयर एट IMA देहरादून, जो कि डेजिग्नेटेड PCTA
यानी प्री कमीशन ट्रेनिंग एकेडमी देहरादून में, वहाँ पे एक साल आपका ट्रेनिंग होगा, ठीक है। बाकी का क्राइटेरिया आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर देखिए आपका जो रैंक मिलेगा, कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के दौरान 13,940 रुपये आपको देना हो सकता है, ठीक है, एज ऑन 2021। ये आपका जो रैंक मिलेगा, प्रमोशन लेफ्टिनेंट कैप्टन, उसके बाद मेजर, उसके बाद लेफ्टिनेंट कॉलोनल, उसके बाद कॉलोनल टीएस, उसके बाद कॉलोनल ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल, इस एसजी स्केल, एसजी प्लस स्केल, उसके बाद लास्ट में बीसीओएएस अथवा आर्मी कैडर लेफ्टिनेंट जनरल एनएफएसजी और लास्ट में सीओएएस, ठीक है, जो कि सीडीएस रैंक है। देखिए कितना साल बाद मिलेगा, यहाँ पर दिया हुआ है साथ में, पहले शुरुआत में लेफ्टिनेंट, उसके बाद 2 साल के बाद कैप्टन, उसके बाद 6 साल के बाद मेजर, उसके 13 साल के बाद लेफ्टिनेंट कॉलोनल, 26 साल के बाद आपको कॉलोनल टीएस मिलेगा, और ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट फुलफिलमेंट रिक्वायर सर्विस कंडीशन। बाकी जितना भी पोस्ट है वो आपका सर्विस रिकॉर्ड के हिसाब से दिया जाएगा, आप कितना पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, कितना हकदार हो, कितना अपना सर्विस रिकॉर्ड है, उसके आधार पर। यहाँ पर आप सैलरी देख सकते हैं लेफ्टिनेंट रैंक से, आपका जो पे स्केल है यहाँ पर आप देख सकते हैं, लास्ट में 2.5 लाख तक आपका फिक्स्ड हो जाएगा, ठीक है। यह है आपका मेन जो नोटिफिकेशन है वो इतना ही है, बाकी आप लोग थोड़ा जो अगर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लीजिएगा। यह नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन पर अवेलेबल है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ 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 चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि दिन भर आप लोगों के लिए मेहनत करके नोटिफिकेशन लाता हूँ, आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ। बाकी थोड़ा थोड़ा डिटेल्स आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा, पूरा लाइन बाय लाइन में पढ़ने जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जितना आपको मेन मेन चाहिए तो मैं डिस्कस कर चुका हूँ आप लोगों के लिए। नोटिफिकेशन लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन पर अवेलेबल है, आप लोग चाहे तो ओपन करके पूरा लाइन बाय लाइन आप पढ़ सकते हो, ठीक है। और ऑनलाइन अप्लाई का लिंक भी मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन पर दे दिया, आप लोग ओपन करने से पे स्कूल जाएगा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक मेरे तरफ से, जय श्री कृष्ण, जय हिंद।